हाँ ऐसा है कि हम खुद तो रहते नहीं है, जब भी कोई किराएदार लेके आते हैं तो किराएदार वाले भी जो है ना 10 से 15 दिन रह के वो बोलते हैं भाई हाँ हम नहीं रहेंगे, ये जगह बहुत भारी है उनको, यानी बहुत तकलीफ देता है, तंग कर लेता है। तंग करने की वजह ये कि अजीब सी आवाज़ें आती है। ये जगह जो थी ना ये शुरू से ही बहुत भारी जगह थी, और बहुत यानी इधर जब हम शुरू शुरू से काम करने आते थे ना तो उस टाइम में भी यहाँ असरात थे, हमें बड़ा इधर जो है ना परेशानी होती थी काम करने में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू पूरी टीम की तरफ से। जी यकीनन आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बुलाया जी हमें एक ऐसे घर में जहाँ ना कोई काम हो पा रहा है, काम से मुराद उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की, कमर्शली कारखाना बनाया, वहाँ पर कोई प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की, सुबह से शाम तक बहुत मसले आए, लोग बेचारे भागे डर के ना, और फिर क्या किया उन्होंने कहा यार ऐसा करते हैं इसको किराए पे दे देते हैं फैमिली को रहने के लिए। कई फैमिलीज आई सर, कई कई आई, कोई एक महीने से ज्यादा नहीं टिक सकी। ऐसा क्या है वहाँ पे यार? खौफ, डर, आवाजें, कोई नॉक करता है बाहर खोलते हैं कोई भी नहीं होता, अंदर घर के अंदर कमरों को नॉक किया जाता है, आप कमरा खोल के देखते हैं कोई भी नहीं होता, आवाजें आती हैं। ऑनर खुद बेचारे वहां बता रहे हैं कि ये हाल है और मेरा घर खाली है, ना ये कारखाने के तौर पे काम आया, ना किराए के तौर पर काम आया, ना मैं इधर खुद रह पा रहा हूँ। उनका तो बहुत नुकसान हो रहा है यार, बेचारे इतने परेशान हैं। अगर आप कब से हो रहा है यार? अभी ये सवालात हम करेंगे कि ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद से ये हुआ, कब से हो रहा है, लेकिन जिस तरह बता रहे थे ना मुझे लगता है तकरीबन ये कई फैमिलीज यार एक के बाद एक अगले दिन तो नहीं आ जाती फैमिली, जब कई फैमिली आई हैं तो बीच में गैप भी आया होगा, फैमिली ने देखा होगा, ढूंढा होगा, पसंद किया होगा। मेरे ख्याल से अगर हम एक महीना भी एक फैमिली को दे दें तो 6-8 महीने तो कहीं नहीं गए ना, फिर कारखाना लगा रहे तो साल तो कहीं नहीं गया मेरे ख्याल से, कि एक साल तो भाईजान हुआ ही हुआ है इनको। क्या कारखाना ज्यादा दिन में चलता है, रात में नहीं चलता? दिन में भी तंग कर रहे हैं क्या? बंदे होते हैं कारखाने में ज्यादा, वो मतलब समझ भी रखते हैं। जैसे अक्सर ना ये मखलूकात हमारे ऑफिस में भी जाहिर हुई है, जहाँ पे जाहिर हुई है, तो बंदे होते हैं ना यार ये पढ़ के फूक लेते हैं यार, इस चीज का एहतियात कर लेते हैं, देखो इस टाइम पर ये मत करना, कर लेते हैं ना मैनेज। सर वो भी नहीं हो सका, वो भी नहीं हो सका, फैमिली भी नहीं रह पाई कोई, और खाली पड़ा कह रहे मैं करूँ तो करूँ क्या। दिखाता हूँ मैं चल के आपको, आप खुद वीडियो में देखें वो क्या कह रहे हैं बेचारे, इतने परेशान हैं यार, समझ रहे हो बस आंसू आना बाकी है, जाहिर नहीं हो रहे अंदर से तो वो रो ही रहे हैं, मतलब हालात आपके सामने हैं यार। सही, तो यहाँ ऐसा है कि हम खुद तो रहते नहीं है, जब भी कोई किराएदार लेके आते हैं तो किराएदार वाले भी जो है ना 10 से 15 दिन रह के वो बोलते हैं भाई यहाँ हम नहीं रहेंगे, ये जगह बहुत भारी है उनको। ये जगह जो थी ना ये शुरू से ही बहुत भारी जगह थी, और बहुत यानी इधर जब हम शुरू शुरू से काम करने आते थे ना तो उस टाइम में भी यहाँ असरात थे। ये वीडियो देखी आप, ऑडियो थोड़ी सी खराब आ रही है, इन्होंने भेजी है, लेकिन जो बात समझ आ रही है वो ये कि कई फैमिलीज ने बताया कि इधर मसला है, असरात है, जगह भारी कह रहे हैं, बहुत कह रहे हैं, दरख्त है उसमें से भी आवाजें आ रही हैं इनको, लाइट चली जाती है तो सीमेंट की सीढ़ियों पे बैठ जाते हैं, ये बनाई है उन्होंने वहाँ भी, वो हिलती है पूरी बकायदा, वाइब्रेट होती है, और किसी शाह साहब से उन्होंने कंफर्म किया है को जो फैमिली रह रही थी वहाँ पर। सही, इतनी आई ना, किसी ने तो कोशिश की है इलाज की, तो वही कह रहे हैं कि हाँ जी जगह भारी है, इधर असरात हैं। अब कैसे असरात हैं जो किसी एक को नहीं टिकने दे रहे? चलो मैं कहता हूँ किसी एक से गलती होती है ना यार, कई फैमिलीज, कई काम करने वाले, ये तो कह रहे हैं फैमिली से पहले, जैसे इन्होंने बताया कि पहले वहाँ पे ये कोई काम वाम कर रहे थे और दिन में ये जो कारखाने टाइप का इन्होंने बनाया हुआ था और ये काम करते थे, तो तब से असरात है ये। हाँ।
तो क्या आया कि जो कारखाने में लोग काम करते उन्होंने कोई ऐसी चीज की या क्या किया जिसकी वजह से ये सब चीज हुई? पॉसिबल है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई। वहाँ पे वक्त गुजारने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा ये बताएं कि सराउंडिंग कैसी है, जगह कहाँ पर है? यार मुझे लगता है आबादी के बीच में ही है, जिस तरह मकान अच्छा। बना जी, 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 आबादी के बीच अच्छा। पीछे जब इन्होंने दर्ख दिखाया तो पड़ोस के घरों की दीवारें भी लग रही है, तो अच्छा। ये और अजीब बात है कि वीराने में बियाबाने में नहीं है, बीच गुंजान आबाद इलाके के अंदर ही है। ये हम कहाँ कुरंगी की तरफ जा रहे हैं जी भाई? ये जी हम वो क्या कहलाता है यार, मलिक 15 से अंदर का रास्ता क्या कहलाता है ये? शराफी गोट वाला। शराफी गोट से जी हम जा रहे हैं, सामने कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया अटैच हो जाता है ना, तो ये भाई आगे से राइट था। अच्छा ये आगे चुरंगी आती है, वो एक शाह फैसल से निकलती है, वो तो सिंगर चुरंगी पे निकलती है। ओवरसीज हमारे प्यारों सुन ले, देख ले, बता दें कहां मुड़े हैं हम। ये सजा पे कुरंगी की तरफ हम लोग मुड़े हैं, शराफी गोट के अंदर से जा रहे हैं हम लोग। अच्छा जी, अच्छा अभी यहाँ से बीच से निकलेंगे ना, रोड आएगा मेन कुरंगी का बड़ा वाला ना, फिंगर चुरंगी वाला। ओके ओके, ये इंडस्ट्रियल एरिया साइड पे देख रहे हैं जी आप, सारी फैक्ट्रीज आपको नजर आ रही होंगी। ये इधर पूरा जो है ना फसली इलाका है। एक बात है वैसे जनाब, सही बात बताऊं, अब हम किसी शहरी जगह पे भी हम जा रहे हैं जहाँ पे लोगों का बड़ा हजूम है, और फिर जो है वो जगह भी जो है वो आबादी के बीच में है सर, लेकिन आपने शायद नोट नहीं किया, रास्ता हमें वही जो है ना कच्चा मिल रहा है हर जगह। मैं आपको सही बता रहा हूँ, हाईवे जा रहे हैं, रोड जा रहे हैं, क्योंकि वही जमीन है जी एक तरफ। ये लगता है कामरान भाई जो ना छांटते हैं पहले ना कि हाँ यार रास्ता खराब है ना, बस इसी रास्ते से जाना है। अल्लाह ने गाड़ी आपको दी है ना, वो शायद ऑफ रोड के लिए ही है। इसमें इतने झटके लग रहे हैं, और टेढ़ी मेढ़ी वैगनार पे आते तो क्या होता, वो तो लाइक दूसरे पे गिर रहे होते। मुझे तो कहते हैं ना बॉसेस वगैरह, कहते हैं तो पता ही नहीं चलता सफर का। हम आपस में करते हैं ना, ये हमारे सवाल होते हैं दरअसल, इतने डीप हम ही पूछते हैं, डिटेल जानने की कोशिश करते हैं जो शायद लोगों का अंदाजा नहीं होता इस बात का। हमारी कोशिश ये होती है कि बेस तक पहुंचे कि आखिर ऐसा हुआ क्या था जिसके बाद से ऐसे वजूद है, बेशक है, लेकिन कमी जगह होती है जहाँ जिन्नात खुद से ही जो है ना जी 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 आ जाए, आपको अपनी मौजूदगी जाहिर करें, आपको तंग करें, परेशान करें। वो कुछ मकाम है खुद से नहीं होता, कहीं ना कहीं बल्कि ज्यादातर इंसान ही होता है पीछे उस जगह को पुरसरार होने की ना, बेहतियाती कह लें, गलती कह लें, कोई इस तरह का अमल कह लें, कोई जल्दबाजी कह लें, कोई लालच कह लें, ये चीजें आई है सामने जी। अच्छा मुझे एक चीज परेशान कर रही है, क्योंकि इतनी गुंजान आबादों में इतना हॉन्टेड जगह है, मतलब कैसे क्या किया जो घर इतना हो, इतने परेशान जिंदा हो, उसको परेशान कर रहा है, वरना इतनी आबादी में इतने वाजी निशानात नहीं आते। लेकिन समझ भाई, पहले तो ये होता था ना, जो हमने पढ़ा भी था और जो शुरुआत की थी वो क्या है कि तो उसने की थी कि जी वीरानों में, बियाबानों में, जंगलों में जाते थे। सही सर, समझ भाई, ऐसे ऐसे में गुंजान आबाद इलाकों में की आवाजें आ रही है पड़ोसियों की, बच्चों की, सबकी रोशन, सब कुछ, वहां भी असरात दिखे यार रिकॉर्ड कई जगहों पे। जन्नत जो है ऐसा नहीं है कि वो जंगल वीरानों सिर्फ में ही वीरानों में नहीं है, ऐसा नहीं है सिर्फ वीरानों। सर अच्छे बुरे हर जगह मौजूद है, बात वही है कि हमारे पास वो नजरें नहीं है कि हम वो देख सके, वरना हर घर के अंदर हर जगह जन्नत का वजूद है। तो इसलिए अब होता ही है ये घरों के अंदर भी कि कोई जो है कोई मिसहैप हो जाता है या कुछ हो जाता है उनके साथ भी, अक्सर वो बेशतर अक्सर देखने में आता है मगरिब के टाइम कोई हो गया है, या जिन्नात के बच्चे खेल रहे हैं, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंटरप्शन हो जाती है जिसकी वजह से फिर वो परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तो बेहतर है कि लोगों को भी चाहिए कि वो भी रहें, और साथ में उनसे भी कह दें कि भाई हम भी यहाँ रह रहे हैं, आप भी यहाँ सुकून से रहें, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन मसला ये कि हमारे यहाँ लोग लड़ने लग जाते हैं उन्हीं से ही, तावीज घंटे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मुकाबले में आ जाते हैं, अल्लाह की मखलूक में समझते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से तो लोगों को। फिर यार कर्म की इंतहा कह लें, समझ भाई, मोर देन 100 मैसेजेस, मोर देन 1000 कमेंट्स दैट सेड, नॉट इवन ओनली मुस्लिम्स, गैर मजहब के लोगों ने भी ये कहा कि जी बड़ा कुछ समझा सीखा, ये उनके स्टेटमेंट है जी। सही मतलब हम खुद तो समझ रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों ने बड़ा कुछ समझा सीखा, बड़ी एहतियात की, और उसका मुस्तफीद भी बहुत हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी मेहरबानी है, हर जरिया बनाया उन्होंने। तो चलते हैं जी, देखते हैं सही कहाँ लेके जा रहे हो कुरंगी, क्या है कि फिर तुम जो है ना सम कमरान भाई कच्चों में ले आए हो? नहीं नहीं कच्चा नहीं, अभी पक्का है, खाया भी नहीं है, कुराना भी नहीं खाया हुआ, चाय तो पिए
समझ भाई का चेहरा नोट करें बिल्कुल। चाय का मुंह ले, सो जाओ मैं देखे मैं फिर बता दूंगा।